नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक किटी पार्टी गेम खेलेंगे। और चूंकि आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और दीपावली भी आने वाली है, करवा चौथ स्पेशल भी किटी हो रही है, करवा चौथ थीम पे दिवाली स्पेशल भी होगी, तो हमारे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ के फेस्टिवल की बात होती है फूड। तो मेरा जो आज का गेम है वो बहुत इजी भी है और फूड तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे फेस्टिवल में, कि त्योहार मतलब अच्छा खाना। तो ये हम लोग एक पूरे इंडिया का ये कल्चर है, तो हमारा एक इससे रिलेटेड बहुत सिंपल सा गेम है और प्रॉप्स भी आप देख रहे हैं ये हम सबके घर में होती है। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये हमको कैसे खेलना है। देखिए, इसके लिए हमको चाहिए ये इस तरह के पेपर के पीसेस। मैंने सिर्फ 5 पीसेस लिए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे खेलना है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी पीसेस ले सकते हैं जितना टाइम देना हो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज होती हैं, टाइम कम होता है तो हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी गेम हो जाए, इसलिए मैंने 5 पीसेस लिए हैं। अब हमको इसमें क्या करना है, जो जनरली हमारे भारतीय घरों में जो फूड बनता है, सब्जी, रायता, खीर, पूड़ी और पानी तो खैर सभी लोग पीते हैं खाने के साथ एक, तो ये तो गेम के लिए मैंने ज्यादा चीजें लिया इसलिए। और पहले मैं आपको बताती हूँ, देखिए तो हमको क्या लिखना है। सबसे पहले पूड़ी, सब्जी, रायता, खीर, पानी। ये तो मैं एक सिंपल इंग्रेडिएंट लिख के हैं जो जनरली सबके घर में बनता है। आप चाहे तो छोले भटूरे दही बड़े गुलाब जामुन इस तरह रख लें, अगर कुछ भी जो भी आप इडली सांभर चटनी डोसा इस तरह से रख लें, आप जो भी स्लिप आपको बनानी है। पानी तो एक कॉमन चीज है जो सब में रहेगी, बाकी आप डिश कोई सी भी रख सकते हैं, पर ये एकदम ये जो मैंने डिश ली है ये एकदम सिंपल भी है, इजी भी है सबको खेलने के लिए, और हमको बर्तन भी ज्यादा नहीं ले जाने पड़ेंगे। वैसे तो हमको होटल में मिल जाते हैं, पर चूंकि हमको अलग अलग साइज की कटोरी चाहिए गेम के अकॉर्डिंग, तो इसलिए घर से ही ले जाएं, तो इसलिए मैंने ये कम से कम रखा है कि 5 डिशेज ही रखी हैं कि हमको बर्तन भी ज्यादा ना ले जाने पड़े। देखिए अब हमें इसको क्या करना है कि प्लेयर को हम लेंगे, तो ये काहे की ये हमारी बड़ी कटोरी काहे की है, सब्जी की, जो जनरली हम जानते हैं कि बड़ी कटोरी में सब्जी होती है। फिर ये रायता, ये आप डिसाइड कर देंगे, ये आप डिसाइड करेंगे कि ये रायता रहेगा या ये रायता रहेगा, ये आप पहले से ही डिसाइड कर देंगे कि ये रायते, चाहे तो आप इसके पीछे एक स्लिप लगा के लिख सकते हैं कि ये रायता है, ये सब्जी है और ये खीर है। मैंने तो छोटे छोटे बर्तन इसलिए लिए कि हमको ले जाने में आसानी रहे, प्लेट तो होगी ही पूरी रखने को और पानी के लिए गिलास। तो ये सब्जी, रायता, खीर और पूड़ी और पानी। अब क्या करना है कि प्लेयर ऐसे लेगा स्लिप को, प्लेयर को स्लिप लेनी है और उसको ऐसे एक एक स्लिप ऐसे डालनी है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि कितनी चीजें उसने सही सही उसमें रखी हुई है। तो देखिए इधर होनी चाहिए थी, इधर हमको चाहिए है पूड़ी, वाह ये तो एकदम सही हो गई है, तो ये एक तो प्लेयर का पॉइंट सही हो गया, ठीक है ना। फिर रायता, ये गलत हो गया, यहाँ पे हमको सब्जी चाहिए थी इसने रायता रख दिया है, ठीक है ना। खीर, अब तो तीनों ही गलत हो गए। पानी, ये भी गलत हो गया, और पानी वाले ग्लास में सब्जी। तो इस तरह से प्लेयर के कितने पॉइंट हुए, 1, ठीक है ना। मतलब कितने लोगों का मैच प्रॉपर मिल पाता है, इसी तरह से सेकंड प्लेयर आएगा वो भी ऐसे ही
हम इनको मतलब और छोटा छोटा कर लेंगे तो जिससे जम्बल हो सके। आप चाहे तो और ज्यादा इंग्रेडिएंट लगा सकते हैं, जितना आप सामान अगर ले जा सकती है, आप ज्यादा बड़ी थाली ले जा सकती है तो आप बहुत चीजें लगा सकती है इसमें, कि गुलाब जामुन भी है, पापड़ भी है, आप जितने ज्यादा बर्तन लगा दें गेम को और ज्यादा स्लिप बनाने के लिए। पर ये भी सफिशियंट है क्योंकि ये चूंकि लक का गेम है तो लक तो एक उसमें भी एक स्लिप से भी काम कर जाएगा। ये देखिए फिर से अब ऐसे करके, अब ये देखिए ठीक है, ये फिर से खाना परस दिया। अब इधर देखें, रात बस ये हो गया काम खराब। यहीं से देखिए सब्जी, ये एकदम सब्जी सही परसी हुई है उसने। रायता तो चूंकि यहाँ पे था तो अब यहाँ पे तो ये तो गलत ही होने वाला है, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया और खीर भी गलत हो गई। जब खीर यहाँ हो गई तो इधर पे नहीं है तो यहाँ पे ये पानी और ये भी गलत पूरी। तो इस प्लेयर को भी कितने मिले, एक। ये मतलब बहुत ही मजा तो आने ही वाला है और बहुत ही रेयरली शायद ही किसी के दो या तीन या किसी के हो सकता पांचों भी सही चले जाए। ये तो लगता गेम है तो ऐसा होता ही, आप जानते हैं कि किसी किसी के हो सकता पांचों ही स्लिप सही चली जाए, हो सकता किसी की तीन जाए, किसी की दो जाए, ये तो लक की बात है। और जब वन जाती है ये जाती है तो हम सब जानते हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग विनर। देखिए फिर से खेल के देखते हैं, किसी में भी आप पहले स्लिप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसमें डालनी है। पानी गलत, अब तो पानी भी गलत हो गया, पहले ही अगर पानी इसमें आ गया है तो जाहिर सी बात है कि पानी भी गलत हो गया। यहाँ पूरी हो गई, खीर सही गई है, ये खीर सही गई है और रायता। ये देखिए इस प्लेयर के दो चीज सही गई, खीर और रायता, इसके दो पॉइंट हो गए। ये तो सब्जी है ठीक है ना, सब्जी की जगह पूरी थी, पूरी की जगह सब्जी, तो ये इस प्लेयर को कितने पॉइंट मिले, दो। इस तरह से ही हमको और प्लेयर आते जाएंगे, खेलते जाएंगे और विनर डिसाइड होगा। और ज्यादा देखिए ये हमारे घर में बर्तन होते हैं, आपको होटल अगर हम होटल में किटी करते हैं तो आपको मालूम है होटल में भी बर्तन मिल जाते हैं, पर बस सिर्फ साइज की दिक्कत आती है कि हमको चूंकि ये डिसाइड करने के लिए अलग अलग साइज का रखना है। अगर होटल के बर्तन है तो वो अलाउ नहीं करेगा ना आपको कि आप इसके पीछे नाम लिख दें, क्योंकि वो एक साइज की कटोरी होंगी पर आप उसके पीछे नाम नहीं लिख सकते। अगर अपने घर से आप तीन छोटी कटोरी भी ले जाए और उनके पीछे लिख दें सब्जी, रायता, पूड़ी, जो भी आपको मतलब जो भी डिश बनानी है, छोले भटूरे कुछ भी आप करके, तो इस तरह से। और ये हमारा बहुत सिंपल गेम है और मजा भी आने वाला है। आप अपने घर में तो बहुत आसानी से खिला सकते हैं क्योंकि बर्तन होते हैं। और इसी तरह और गेम के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आपको और गेम बताऊंगी।